जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बात करेंगे नए अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर। जीएफएमएस पोर्टल पर नए अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग को लेकर ऑप्शन उपलब्ध करवा दिया गया है। हमने आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया है, ये जो प्रक्रिया है चार चरणों में पूर्ण होगी। सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल फोटो अपलोड करना है। यहां भी आपको सावधानी रखनी है, जो वीडियो हमने ट्यूटोरियल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है उसमें काफी सारे ऐसे कमेंट देखने को मिले हैं, बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथियों ने गलत फोटो अपलोड कर दिया है। तो ये हो रहा है आपकी जल्दबाजी में, आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। आपके पास पर्याप्त समय है, 9 सितंबर तक का समय दिया गया है। अगर 9 सितंबर तक भी कार्य पूर्ण नहीं होगा तो ये तिथि आगे बढ़ाई जाएगी। तो आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना है, ये आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। पहला आपका ऑप्शन हो गया अपलोड फोटो का, दूसरे में आप वैकेंसी देख पाएंगे, ये ऑप्शन भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जो भी विकास खंड आप सिलेक्ट करेंगे, उसमें जो भी ब्लॉक आप सिलेक्ट करेंगे, उसमें उस ब्लॉक में जिस विद्यालय में आपके विषय के पद रिक्त होंगे उनकी सूची प्रदर्शित हो जाएगी, किस विद्यालय पर आपके विषय के कितने पद रिक्त हैं। वहीं पर एक वैकेंसी कोड आपको प्रदर्शित होगा, वो वैकेंसी कोड आपको नोट करना है। प्राथमिकता के क्रम में आपको एक कोरे कागज पर विद्यालयों की सूची बना लेना है। जो विद्यालय आप सबसे पहले लेना चाहते हैं उसको पहले नंबर पर रख ले, दूसरे नंबर पर लेना चाहते हैं उसे दूसरे नंबर पर, आप कितने भी विकल्पों का चयन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर के ऑप्शन से आप स्कूलवार सूची बनाकर उनके सामने उनकी जो वैकेंसी कोड है उसको जरूर अंकित कर लें। तीसरे ऑप्शन में आपको वैकेंसी कोड के माध्यम से आपकी जो रिक्वेस्ट है संस्था पर वो आपको दर्ज करनी है। वो ऑप्शन अभी वर्क नहीं कर रहा है, जैसे ही वर्क करेगा आपको वीडियो के माध्यम से अब करा दिया जाएगा। साथियों, अब यहाँ पर काफी सारी समस्याएं अतिथि शिक्षकों के बीच में आ रही है। जैसे अभी एक एरर देखने को मिल रहा है, पर्सनल डाटा नॉट फाउंड, इसको लेकर बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी चिंतित है। अभी तक यदि देखें तो नए अतिथि शिक्षकों में किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर जो अतिथि शिक्षक साथी है काफी ज्यादा चिंतित है। आपको किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं होना है, जो भी एरर आ रहा है पर्सनल डिटेल नॉट फाउंड आ रहा है वो एरर भी बहुत जल्द हट जाएगा। ये पोर्टल एरर है, इसमें आपकी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। साथ ही साथ कई अतिथि शिक्षक साथी जब ये एरर होने देखने को मिल रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस पर भाई क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे क्लियर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। तो ये गलती आप ना करें, थोड़ा धैर्य आप रखें, एक दो दिन का समय आप अपने आप को जरूर दें। हाँ, अगर आपको लगता है आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, पूरी जानकारी को भली भांति समझ चुके हैं, तो आप प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पर्सनल डाटा नॉट फाउंड आ रहा है, किसी भी प्रकार की जानकारी आपके कॉलमों में प्रदर्शित नहीं हो रही है, तब भी आपको चिंतित नहीं होना है, जल्द ही आपकी जानकारी प्रदर्शित होने लगेगी। अन्य जो भी समस्या है, जो भी एरर आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, कई सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं, तो मैं यहां पर समस्त अतिथि शिक्षक साथियों से यही कहना चाहूंगा कि जो भी एरर आपके सामने आ रहे हैं सभी एरर दूर किए जाएंगे। पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को भी हमने आश्वस्त किया था कि 100% आपकी ज्वाइनिंग होगी और लगभग सभी अतिथि शिक्षक साथियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, विशेष रूप से इक्का दुक्का अतिथि शिक्षक साथियों को यदि हम छोड़ दें तो, और बहुत जल्द उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसी तरीके से जो नए अभ्यर्थी हैं जो अतिथि शिक्षक के रूप में आवेदन करना चाहते हैं, 100% सभी आवेदक जिनके पास EKYC है, जिनके पास जीवंत स्कोर कार्ड है, वो सभी आवेदन कर पाएंगे। जो भी एरर आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं जल्द उनका निराकरण होगा। आप बिल्कुल चिंतित ना हो, किसी भी प्रकार से हताश या निराश ना हो, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि आप आवेदन ही ना कर पाए। विशेष रूप से ये वीडियो आपकी समझाइश के लिए, आपको उचित गाइडेंस देने के लिए तैयार किया जा रहा है। साथियों, हम लगातार अतिथि शिक्षकों से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर साझा करते हैं। यदि आप नए हैं तो इससे जरूर जुड़े और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अतिथि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जो नवीन अपडेट है वो समय पर आपके पास पहुंच सके। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।